हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हमारे फिफ्थ स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल स्टडी के चैप्टर नंबर 7 की, जो कि रिलेट करता है हमारे साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 विच टाइटल इज द स्नैक, जिसका हम पेज नंबर 39 एंड 40 ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके थे। आज हम स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 41। ओके, सो लेट्स पे अटेंशन हियर। काइंड्स ऑफ स्नैक्स, काइंड्स ऑफ स्नैक्स मीन्स सांपों के प्रकार। सांप कितने प्रकार के होते हैं? लुक एट हियर, स्नैक्स आर ऑफ टू काइंड्स। सांप दो प्रकार के होते हैं, पायजीनियस एंड नॉन पायजीनियस। ठीक है, पायजीनियस एंड नॉन पायजीनियस। ठीक है, पायजीनियस मीन्स जिसमें जहर होता है, विष होता है। पायजन मीन्स क्या होता है? विष। ठीक है, तो जिसमें पॉइजन होता है, ऐसे स्नैक जिसके काटने से व्यक्ति मर जाता है, उसे पॉइजनियस बोलेंगे। नॉन पॉइजनियस जिसमें विष नहीं होता, जिसमें जहर नहीं होता। अंडरस्टैंड? तो आपको ये पता होना चाहिए, काइंड्स ऑफ, दे आर द टू काइंड ऑफ द स्नैक, पॉइजनियस एंड नॉन पॉइजनियस। नेक्स्ट, द स्नैक ऑन बाइटिंग अ पर्सन इंजेक्ट पॉइजन इन टू हिज बॉडी थ्रू इट्स टीथ विच इज होलो लाइक दैट ऑफ अ नीडल ऑफ एन इंजेक्शन। इट इज अपर जॉ, इन इट्स अपर जॉ देयर आर टू पाउचेस ऑफ पॉइजन। ठीक है, इस प्रकार के सांप जो किसी व्यक्ति को जब काटते हैं, तो काटते समय उसकी बॉडी में अपने टीथ के माध्यम से, जो कि उनकी टीथ निडल के रूप में होती है, होलो होती मतलब छेद युक्त होती है। ठीक है, उसके माध्यम से वो उसकी बॉडी में क्या कर देता है? पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है। जैसे वो काटेगा तो पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो जब स्नैक बाइट करता है तो पॉइजन किस साइड से आता है? तो अपर जॉ से। ध्यान रखेंगे, अपर जॉ, ऊपर वाले, जैसे अपना ऊपर का दांत होता है ना, आप देखेंगे आपके दांत दो साइड है, नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर वाले दांत है, तो अपर साइड से वहाँ पर से, वहाँ पर दो पाउचेस होते हैं पॉइजन के। ठीक है, और वहीं पर से जहर वो रिलीज कर देता है। व्हेन पॉइजनियस स्नैक बाइट, दे इंजेक्ट पॉइजन इनटू अ पर्सन्स बॉडी, दैट पॉइजन कैन एट टाइम बी फैटल। ओके, जब वो बाइट करता है पॉइजनियस स्नैक, तो वो इंजेक्ट कर देता है पॉइजन को, और जो कई बार किसी भी व्यक्ति के मरने का कारण भी बन जाता है। ठीक है, ओके, देयर इज नो पॉइजन इन नो नॉन पॉइजनस स्नैक। जो ऐसे सांप जिनमें जहर नहीं होता, नॉन पॉइजनियस कहलाते हैं। दे ओनली बाइट व्हेन दे आर टीज्ड, वे केवल काटते बस हैं, जब उन्हें परेशान किया जाता है ना, तब सिर्फ वो काटते हैं, कैजुअली नहीं काटते, जब उन्हें परेशान किया जाता है तब। टीज मतलब परेशान करना। बट दे आर बाइट्स नॉट फैटल, मगर उसके काटने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। लेट्स आइडेंटिफाई द नॉन पॉइजनियस स्नैक विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। लुक इट, ओके, दे आर द टू। ठीक है, यहाँ पर से हम नॉन पॉइजनियस स्नैक को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ पाइथन, सेकंड वन इज़ अ ग्रीन स्नैक। ओके, द पाइथन तो बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता, ये नॉन पॉइजनियस है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ अ ग्रीन स्नैक। ओके, वेल, टर्न द पेज। द नेक्स्ट स्नैक इज पिटपिटी, एंड नेक्स्ट वन इज़ अ वाटर स्नैक। पिटपिटी में भी बिल्कुल पॉइजन नहीं होता, और वाटर स्नैक में भी पॉइजन नहीं होता। हाँ, इसके काटने से थोड़े समय के लिए फीवर आ सकता है वाटर स्नैक के काटने से। ओके, वेल, सो दे ऑल आर द नॉन पॉइजनियस स्नैक। ओके, नाउ लेट्स लुक एट एंड टॉक अबाउट द पॉइजनियस स्नैक। पॉइजनियस जिसमें जहर होते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर में है कोबरा। दिस ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड स्नैक कैन बी फाउंड ऑल ओवर इंडिया। इट कैन बी ईजली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स हुड। इट इज़ अ डेडली स्नैक। ठीक है, कोबरा पूरे हमारे इंडिया में पाया जाने वाला स्नैक है। ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, और इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं उसके हुड की वजह से। लुक इट, जब भी ये अपने फन की वजह से तुरंत पहचान में आ जाता है। ठीक है, ओके, और ये बहुत ही डेडली होता है, बहुत ही खतरनाक, जहरीला। द सिम्टम्स ऑफ कोबरा बाइट्स आर एज फॉलोज। जब अगर कोबरा किसी को काटता है, तो उसे कौन कौन से सिम्टम्स, सिम्टम्स मीन्स लक्षण, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो देखिएगा, द बिटन प्लेस गेट स्वॉलन एंड समटाइम्स देयर इज अ वाउंड। जहाँ पर वो काटता है वहाँ पर स्वॉलन हो जाता है, मतलब वहाँ पर सूजन आ जाती है, और कई बार वहाँ पर घाव भी हो जाता है। द बिटन पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी हिज हर हैंड एंड फीट स्टार्ट ट्रम्बलिंग।
जब ये काटता है तो जिस व्यक्ति को काटा रहता है वो ये लड़का या लड़की क्या होता है अपने हाथ या पैर को देख नहीं देख पाता, ठीक है, क्योंकि वो कांपने लगता है। द टंग थिकनेस एंड द पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक फ्रॉथ स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ। जो टंग्स होती है वो जो है जहर की वजह से, पॉइजन की वजह से मोटी होती जाती है और व्यक्ति नहीं बोल पाता, ठीक है, और उसे बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है और यहाँ तक कि उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोबरा बाइट्स फील स्लीपी एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। जिस व्यक्ति को कोबरा काटता है उसे बहुत नींद जैसा लगता है और साथ ही वह सांस लेने में उसको काफ़ी तकलीफ होती है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ कोबरा बाइट्स। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डिनरी करैत। ऑर्डिनरी करैत, द करैत कम्स आउट एट नाइट। ज़्यादातर केस में करैत हमेशा रात में निकलते हैं, डियर स्टूडेंट्स, है ना, आपने इसके विषय में बहुत सुना होगा, हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली शाइनी एंड हैज़ वाइट डायगोनल स्ट्रिप्स, ठीक है, उसमें एक्सट्रीमली शाइनी, बहुत ही चमकदार और वाइट कलर के डायगोनल स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, एकदम पत्ती, मतलब इस तरीके से धारियां पाई जाती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ अ रो ऑफ हेक्सागोन शेप्ड स्केल्स, ठीक है, उसमें एक लाइन होती है हेक्सागोन शेप में स्केल के रूप में, ठीक है। दे लीव बेनेथ स्टोन बिटवीन ब्रिक्स इन ब्रिक्स केल्स इन द पाइल्स of firewood and cordon cakes kept in the fields। ज़्यादातर केस में ये कहाँ पर पाए जाते हैं तो ध्यान रखना, हमेशा पत्थरों के नीचे, जहाँ पर हम ईंट रखे होते हैं ईंट के बीचों बीच में, कई बार जहाँ पर हम लकड़ियाँ रखे होते हैं वहाँ पर, या फिर काउडंग जहाँ पर हम कंडे सुखा कर रखते हैं ना, वेल, तो ऐसे सभी जगहों पे जहाँ पर मैंने भी नाम लिया, इन सभी जगहों पर जाने से पहले, यहाँ पर काम करने से पहले आपको बिल्कुल थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ओके, वेल, गो टू द नेक्स्ट पेज। द सिम्टम्स ऑफ इट्स पॉइजन इज मोर और लेस द सेम एज दैट ऑफ अ कोबरा। जैसे इसका जो सिम्टम्स है ठीक कोबरा के जैसे या तो उसे थोड़ा ज़्यादा या कम अंतर लगता है, ठीक है, लगभग कोबरा जैसा ही सिम्टम्स इसका भी देखने को मिलता है। एक्सेप्ट दैट देयर इज नो स्वेलिंग अराउंड, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर जहाँ पर ये बाइट करता है वहाँ पर स्वेलिंग नहीं आती है, घाव नहीं बनता। एट टाइम्स द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट एंड सडनली द पेशेंट्स फील रेस्टलेस, ठीक है, जो सिम्टम्स हैं कई बार इसके काटने के वो बहुत देर बाद आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है किसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है। Once the poison of करैत reached the body, the victim experienced severe pain in his stomach and joints, followed by vomitings. जैसे ही करैत का poison body में पहुँचता है तो पेट में और जितने भी शरीर में joints हैं, ठीक है, वहाँ बहुत दर्द होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, साथ ही में vomiting भी होने लगती है। करैत नॉर्मली बाइट्स एट नाइट, ज़्यादातर करैत रात में काटते हैं, बिकॉज द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट, ठीक है, क्योंकि उसके सिम्टम्स बहुत लेट में दिखाई देते हैं। द पेशेंट एट टाइम्स गो अननोटिस्ड, इट इज सेड दैट अ पर्सन बिटन एट नाइट बाय स्नैक डजेंट लीव टू सी द मॉर्निंग सन। ओके, वेल, कई बार ऐसा कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को रात में अगर सांप काटता है तो वह सुबह का सूरज नहीं देख पाता, ठीक है, हैंस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज मस्ट, इसलिए जब कभी भी ऐसा अगर हो, कोई भी स्नैक अगर बाइट कर जाए तो हमें तुरंत वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए मूव कर जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, वाइपर। वाइपर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 meter लॉन्ग एंड हैज़ अ फ्लैबी बॉडी, ठीक है, वाइपर जो होता है 1 meter लंबा होता है और फ्लैबी बॉडी होती है। इट इज़ लाइट येलोइश ब्राउन कलर्ड एंड हैज़ अ चैन ऑफ राउंड रिंग्स ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, ये येलोइस कलर के इसमें चैन बने होते हैं और बॉडी में, ठीक है, काफ़ी सारे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इट हैज़ अ पॉइंटेड हेड एंड अ थिन नेक, इसका जो हेड होता है एकदम पॉइंटेड होता है और बहुत ही पतला सा नेक होता है। इट इज़ लेजी एंड लाई कॉइल्ड अप इन वन प्लेस, ये बहुत ही लेजी प्रकार का होता है और एक ही जगह पर बस पड़ा होता है।
इट बाइट्स फार्मर्स व्हेन दे वर्क इन द फील्ड ड्यूरिंग मानसून। ज़्यादातर वाइपर जो है फार्मर्स को काटते हैं क्योंकि वो खेतों में पाए जाते हैं, बहुत ही डल प्रकार का होता है, ठीक है, मानसून में जनरली देखने को मिलते हैं। मैनी बाइट केसेस ऑफ वाइपर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन। ज़्यादातर केस में सोयाबीन, मूंग, उड़द, इन सब के हार्वेस्टिंग के टाइम में जब फसल की कटाई होती है तब जनरली ये सांप किसानों को काटते हैं। इट कलर हेल्प्स इट टू कैमोफ्लेज इन द ड्राइड लीव्स एंड क्रॉप्स। इसका जो कलर होता है ना वो पत्तियों के साथ, घास फूस के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इसको पहचानने में काफ़ी तकलीफ होती है। अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पाइजीनियस स्नैक और नॉन पाइजीनियस स्नैक का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम स्टडी कर रहे होंगे इसी से रिलेटेड और आगे के पॉइंट्स को। ओके वेल, सो डियर स्टूडेंट्स, टिल हियर एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा दो तीन पॉइंट और है, इसे भी कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं द वाइपर्स पॉइजन अफेक्ट्स द ब्लड। द वाइपर का जो पॉइजन है ब्लड को कैसे अफेक्ट करता है? इट्स पाइजीनियस टीथ आर बिग सो दे लीव अ डीप वाउंड। ध्यान रखें वाइपर के टीथ लंबे होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, इस वजह से लंबा गहरा घाव करते हैं। द ब्लड फ्लो आउट कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द वाउंड। वाउंड जहाँ घाव बन जाता है वहाँ से लगातार ब्लड निकलता है। इफ़ टाइमली वैक्सीनेशन इज़ नॉट गिवेन द अफेक्टेड पार्ट्स गेट इन्फेक्टेड। यदि अगर तुरंत वहाँ पर उसको वैक्सीनेशन नहीं मिलता है किसी भी पेशेंट को तो वो जो एरिया होता है वो पूरा इन्फेक्शन उसमें फैलना शुरू हो जाता है। राइट, ओके, नेक्स्ट अगला क्या है? फोर्सा या सा स्केल्ड वाइपर। इट इज़ ए स्मॉल साइज स्नैक। ये बहुत ही छोटे आकार का स्नैक होता है। दिस अनइवन स्केल्ड स्नैक हैज़ बिग आइज, ब्रॉड हेड एंड हैवी बॉडी। ये बहुत ही छोटी, उसका जो बॉडी होता है हैवी होता है, सिर काफ़ी बड़ा होता है, आइज बड़ी होती है। इट कॉमनली फाउंड इन ओपन प्लेस। ज़्यादातर केस में ये ओपन प्लेस में पाए जाते हैं। द सिम्टम्स ऑफ इट्स पॉइजन आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ अ वाइपर्स। इन कंपेरिजन टू द अदर पॉइजीनियस स्नैक इट इजेक्ट्स लेस पॉइजन एंड हेंस इट बाइट्स इन इज नॉट फैटल। जो सॉ स्केल्ड वाइपर होता है इसका भी सिम्टम्स ठीक आपके वाइपर जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो है अपने ये पॉइजनस स्नैक जब पॉइजन इंजेक्ट करता है तो कम पॉइजन इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से लोगों के मरने की संभावनाएं लगभग नहीं होती। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पॉइजीनियस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक का। आगे के पॉइंट हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए आप इस लेसन को एक बार फिर से रीड कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इन्फॉर्मेटिव, ताकि ये पेरेंट ये इन्फॉर्मेशन आप अपने छोटे भाई बहन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। ओके, सो नाउ टेक केयर, थैंक यू।